नोटबंदी के 3 साल पूरे होने पर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी की वजह से देश इस समय मंदी के दौर से गुजर रहा है, इसी कारण प्याज टमाटर और अन्य चीजों के दामों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज टमाटर की माला और हाथों में पोस्टर लेकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब बीजेपी की केंद्र में सरकार नहीं थी तो वो महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर निशाना साधते थे। वर्तमान में बढ़ रही महंगाई ने तो पुराने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। इस पर बीजेपी सत्ता में रहकर भी अपना मुंह बंद करके बैठी है। प्रदर्शन के दौरान पैंथर्स पार्टी के महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थी। इस दौरान पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ते हुए प्याज के दामों को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की बढ़ती प्याज की कीमत के कारण रसोई का पूरा बजट बिगड़ गया है। उन्होंने बताया कि प्याज की कीमत जम्मू में 80 रुपए तक पहुंच गई है, जिससे स्थानीय जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।